महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 41 दिन बाद एकनाथ शिंदे ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। बीजेपी से 9 और शिंदे गुट की शिवसेना से 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। हालांकि इस मंत्रिमंडल में एक भी महिला को जगह नहीं दी गई। बीजेपी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल समेत 18 विधायकों ने दक्षिण मुंबई में राजभवन में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या अब 20 हो गई है, जो अधिकतम 43 सदस्यों की संख्या से आधी से भी कम है। एकनाथ शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं महाराष्ट्र में हुई कैबिनेट विस्तार और नई सरकार को लेकर हमने अपने पोल में एक प्रश्न रखा था कि क्या आप महाराष्ट्र की नई सरकार से खुश हैं। इस पोल के जरिए हमने जानने की कोशिश की कि महाराष्ट्र में हुई नई सरकार की गठन और मंत्रिमंडल विस्तार से आप लोगों की क्या राय है, जिसमें पोल प्रतिशत काफी आसपास रहे। जहां हमने लोगों से पूछा कि क्या आप महाराष्ट्र की नई सरकार से खुश हैं, तो 53% लोगों ने कहा कि हाँ, हम महाराष्ट्र की नई सरकार से खुश हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 47% लोगों ने कहा कि नहीं, हम महाराष्ट्र की सरकार से खुश नहीं हैं। वहीं इस पोल के दौरान कई लोगों ने अपनी अपनी राय भी रखी। पेट्रो नाम के एक व्यक्ति ने लिखा कि शिंदे को बलि का बकरा बना दिया फडणवीस ने। लालू यादव लिखते हैं कि ये एक संदेश है, यहाँ पर किसान से गरीब का बेटा भी मंत्री बन सकता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर जमीन से जुड़े लोगों को मंत्री बनने की ज़्यादा आवश्यकता है। जय जवान जय किसान। वैसे ये कैबिनेट विस्तार जो सरकार बनने के 35 दिन से ज़्यादा के बाद किया जा रहा है, अगर समय रहते बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला आ जाता तो ये काम काफ़ी पहले भी किया जा सकता था। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लगातार तर्क दिया कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का सरकार चलाने पर कोई असर नहीं पड़ा है। अभी भी राज्य के विकास को ही प्राथमिकता दी जा रही है और लोगों की सेवा करने पर सारा जोर है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के अलावा अब शिवसेना किसकी होगी, ये जंग भी जोर पकड़ने वाली है। चुनाव आयोग में सोमवार को दोनों शिंदे और उद्धव गुट को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करवाने थे, लेकिन अभी तक सिर्फ शिंदे खेमे की तरफ से दस्तावेज आए हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के शिंदे गुट ने हलफनामे के साथ नत्थी दस्तावेजों में सबूत के तौर पर विधायक, सांसद, स्थानीय निकायों में पार्षद की सूची के साथ साथ पार्टी की केंद्रीय, राज्य और स्थानीय इकाइयों में अपने समर्थकों की दावेदारी की सूची के साथ जमा की है। एकनाथ शिंदे सरकार के कैबिनेट विस्तार में अहम तथ्य ये है कि किसी भी महिला नेता को मंत्री बनने का मौका नहीं मिला है। बता दें कि 30 जून को एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मंत्री पद की शपथ ली थी। तब से ही दोनों सरकार चला रहे थे, लेकिन कैबिनेट विस्तार न होने के चलते निंदा हो रही थी। कहा जा रहा है कि भाजपा खेमे से सुधीर मुनगंटीवार, राधाकृष्ण विखे पाटिल, गिरीश महाजन, अतुल सालवे जैसे नेताओं को अहम मंत्रालय मिल सकते हैं। अगले 1 से 2 दिन में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।